everyone, this is Jinal Katariya and I'm the finalist of Voice of Edmonton. I've made it to Super 8. So please come to ACCA Centre on August 11th. Namaskar, I am Jagdish Kataria. Jinal Kataria, my daughter, and she is in Edmonton, Voice of Edmonton ke Super 8 final. We are very happy and very excited to hear them. And she is also very excited now, because she is just one step away from the final. जीतने के लिए तो उनको वोट करने के लिए उसके चीयर अप करने के लिए प्लीज आप जरूर आइए और एड्रेस इसका ACCA सेंटर और एडमंटन ACCA सेंटर और 11th अगस्त को है 12 बजे तो प्लीज 12 बजे साढ़े 12 बजे ACCA सेंटर पे जरूर आइए और चीयर अप कीजिए जिनल के लिए सुपर 8 है अभी फाइनल में आ रही है हेलो एवरीवन मैं हूँ गीता कटारिया मैं जिनल की मम्मी हूँ और वो अभी फाइनल में पहुँच चुकी है वॉइस ऑफ एडमंटन तो प्लीज उसे वोट कीजिएगा और वहाँ सब आके उसको चीयर अप देना मेरी बेटी आगे बढ़े और हम लोग यही चाहते हैं कि मेरी बेटी ही वॉइस ऑफ एडमंटन बने थैंक यू सो मच अभी जिनल 12th उन्होंने पूरा किया अभी वो यूनिवर्सिटी जाएगी सितंबर से और साथ में ये सिंगिंग का भी कर रही है तो बहुत प्रैक्टिस तो बहुत कर रही है लेकिन उसकी हॉबीज़ है तो इसको ये बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है जो उसकी पढ़ाई तो होती ही रहती है पढ़ाई भी होती है साथ में सिंगिंग भी कर रही है वो लेकिन वो पहले से ही जब से 7-8 साल की थी तब से वो गा रही है उसको बहुत बहुत शौक है पहले से और उसका बैलेंस दोनों साइड से बहुत ही अच्छा बैलेंस करके वो मतलब आगे बढ़ रही है हमारा यहाँ बहुत बड़ा घना बड़ा गुजराती फ्रेंड्स है तो बदा ने अमे लोग इन्वाइट करिए छे के ते त्यां आवी ने वॉइस ऑफ एडमंटन 11 तारीखे छे फाइनल अने जिनल फाइनल राउंड में आवी गई छे तो एने चीयर अप करवा बदा त्यां आवशो Found out from a family friend that there is this competition going on, so like we just went there and started my journey there. And singing is like my passion, so this is the first time happening in Edmonton. And I would like to thank Fran Group for organizing such a competition and giving us a big stage to perform on. वो जब से मतलब छोटी थी तब से ही उसको सिंगिंग का बहुत ही शौक है. Please come to ACCA Centre on August 11th at sharp 12 p.m. and support me. Please, I need your support. Thank you.